हाय, मैं हूँ सरिता और आज हम इस 50 ml की सिरिंज और इस छोटे से गुब्बारे के साथ एक एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हम इस गुब्बारे को इस सिरिंज के अंदर डालेंगे और गुब्बारे में बिना हवा अंदर बाहर करें इसको फुलाएंगे और पिचकाएंगे। सबसे पहले हम इस प्लंजर को बाहर निकाल लेंगे और इस गुब्बारे को बैरल के अंदर डालकर प्लंजर को वापस अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे। अब प्लंजर को धीरे धीरे दबाते जाते हैं और ये गुब्बारा आगे सरक जाएगा। अब देखिए, प्लंजर को अंदर बाहर करने से भी ये गुब्बारे का साइज सेम ही रह रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस आगे वाली ओपनिंग को उंगली से बंद कर देते हैं और अब इस प्लंजर को दबाते हैं तो ये गुब्बारा धीरे धीरे छोटा होता जाता है और एकदम सिकुड़ जाता है लास्ट में। तो ये गुब्बारा पिचका क्यों? क्या इसकी हवा निकल गई? नहीं, हवा तो उतनी की उतनी है क्योंकि हमने इसको अच्छे से गांठ मार के बंद किया था, लेकिन प्लंजर को दबाने से वही हवा कम जगह में समा गई, यानी इसका वॉल्यूम कम हो गया और उसका प्रेशर बढ़ जाता है और इसी को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। किसी गैस का प्रेशर बढ़ने से उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और उसका प्रेशर घटने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब हम इस आगे वाली ओपनिंग को बंद करके इस पिस्टन को दबाते हैं तो इस बैरल के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण जो गुब्बारे के अंदर की हवा है उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है, इसलिए वो सिकुड़ सा जाता है और एकदम मुरझाया हुआ सा दिखता है। इसी तरह से जब आगे वाली ओपनिंग को बंद करके पिस्टन को बाहर खींचते हैं तो बैरल के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो ऑलमोस्ट पूरी सिरिंज को भर देता है और फूलकर कुप्पा हो जाता है। इसके आप 4 अलग अलग वेरिएशंस में ट्राई कर सकते हो। पहली सिरिंज में बैरल और गुब्बारे दोनों में हवा है, दूसरी सिरिंज में बैरल में हवा है लेकिन गुब्बारे में पानी है, तीसरी सिरिंज में बैरल में पानी है और गुब्बारे में हवा है, और चौथी सिरिंज में बैरल और गुब्बारे दोनों में पानी है। अब एक एक करके सभी में ये देख लेते हैं कि पिस्टन को दबाने से क्या हो रहा है। पहले वाले में बैरल और गुब्बारे दोनों में हवा है, तो इसमें जब पिस्टन को दबाते हैं तो गुब्बारा पिचक जाता है। अब ये दूसरा वाला जिसमें बैरल में हवा है और गुब्बारे में पानी, अब इसमें जब पिस्टन को दबाते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी इनकंप्रेसिबल है, पानी पे हम कितना ही प्रेशर लगा ले पानी का वॉल्यूम सेम ही रहता है। अब इस तीसरी सिरिंज को देखते हैं जिसमें बैरल में पानी है और गुब्बारे में हवा, इसमें जब हम पिस्टन को दबाते हैं तो ये देखिए गुब्बारा पिचक जा रहा है। इसमें पानी तो इनकम्प्रेसिबल है लेकिन जो गुब्बारे के अंदर की हवा है वो कंप्रेसिबल है, तो जब प्रेशर बढ़ता है तो गुब्बारे के अंदर की हवा का वॉल्यूम कम हो जाता है और गुब्बारा पिचक जाता है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पानी खुद भले ही इनकम्प्रेसिबल है लेकिन पिस्टन से जो हम प्रेशर लगा रहे हैं उसको वो गुब्बारे तक ट्रांसमिट जरूर कर देता है और सारे हाइड्रोलिक मैकेनिज्म इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक बेड, JCB और तमाम ऐसी चीजें जिसमें लिक्विड पे प्रेशर लगाकर किसी चीज को मूव कराया जाता है। और ये आखिरी केस जिसमें बैरल और गुब्बारे दोनों में पानी है, हम पिस्टन पे कितना भी जोर लगा लें हम पिस्टन को मूव नहीं करा पाते क्योंकि दोनों में पानी भरा है जो कि इनकम्प्रेसिबल है। अगर आपके पास बड़ी सिरिंज नहीं है तो गुब्बारे को इस बोतल के अंदर डालकर भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अब फुला हुआ गुब्बारा तो इसके अंदर जाएगा नहीं, तो हम गुब्बारे को इसके अंदर डालकर और फिर फुलाते हैं। तो चलिए फुला कर देखते हैं। इस तरीके से तो ये गुब्बारा नहीं फूल रहा, तो हम ऐसा करेंगे कि स्ट्रो को इसके अंदर डाल देंगे, बोतल के अंदर डाल दिया और अब इस गुब्बारे को फुलाते हैं। अब इस स्ट्रो को निकालकर गुब्बारे को गांठ लगा दें। अब ये फूला हुआ गुब्बारा इस बोतल के अंदर तो आ गया है, अब हम इसमें फूंक मारकर इसके अंदर का प्रेशर बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इस गुब्बारे का वॉल्यूम कम होता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। ऐसे करने से तो हम गुब्बारे के वॉल्यूम को उतना कम नहीं कर पाए क्योंकि फूंक मारने से बोतल के अंदर का प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ पाता। प्रेशर को और बढ़ाने के लिए हम साइकिल वाल्व और पंप का यूज करेंगे। इसके लिए हमने बोतल के ढक्कन पे साइकिल वॉल्व को फिक्स कर दिया है। अब हम इसको बोतल पर लगा देंगे और फिर पंप से हवा भरें। अब
अब जैसे ही स्मॉल को खोलेंगे गुब्बारा फिर से अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगा। ये देखिए जब इस बोल में से हवा बाहर निकालते हैं तो ये बोतल ठंडी भी हो जाती है, क्योंकि जब किसी गैस का प्रेशर जल्दी से कम होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसे दिमाग का प्रेशर कम रखने से हम ठंडे हो जाते हैं। तो खिलौने बनाते रहें, दिमाग का प्रेशर कम रखें, ठंडे रहें।